सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी चोली काटने के आसान तरीके कि किस तरीके से आप आसानी तरीके से चोली को काट सकते हैं, आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा। तो ये हमारा कपड़ा है, ये डबल, इस तरीके से कपड़ा डबल है। कम से कम कपड़े में आप चोली कट ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। अब हम ब्लाउज को अच्छी तरीके से रख लें, फैला के। आप इस तरीके से ना रख लें कि टाइट हो जाए, आप उसको अच्छी तरीके से रखें। अब हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। यहाँ से हमारी बाजू लगी है, यहाँ से दोनों तरफ से हमने चेस्ट का नाप ले लिया। तो ये हमारी 17 चेस्ट है, तो हम इसमें 2 इंच बढ़ा के लेंगे और 14 इंच लंबाई है। अब हमने यहाँ से 14 इंच की जगह 14.5 इंच ले लिया, क्योंकि ये हमारी पट्टी है, इसमें हम दूसरी पट्टी लगा के अंदर की तरफ दबाएंगे, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर छोटा हो जाएगा। ये हमने 14.5 इंच ले लिया लंबाई में। 34, 32 और 36 इंच के चेस्ट हो उसमें आप 5.5 इंच के शोल्डर लेने चाहिए। ज्यादा शोल्डर लेने से यहाँ पे झोल आ जाती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें 32 और 34 इंच के चेस्ट पे आप 5.5 इंच के शोल्डर लें। इस तरीके से हमने ये शोल्डर लिए और यहाँ से हमने 6 इंच बाजू के लिए। तो हम यहाँ से 9.5 इंच ले रहे हैं गुंजाइश के लिए। अब हमने इसमें इस तरीके से गोल शेप दे दिया। गले की चौड़ाई हम 2 इंच ले रहे हैं, लंबाई हम 8 इंच। ये हमारा पीछे का गला कट जाएगा। अब जैसे ये हमारी 34 चेस्ट है, तो हम इसकी चोली को नापेंगे यहाँ से कि किस तरह की कितनी, 5 ऊपर है यहाँ पे, 6 इंच नीचे की तरफ है, 8 इंच की निचाई है इसमें। तो हम इसी तरीके से अखबार पे एक चोली को काटेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम यहाँ से कपड़े को, ये अखबार हमारा मतलब, तो इसको हम इस तिरछे में लेंगे। पहले ये हमने यहाँ से 6 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे, क्योंकि प्लेट भी इसमें डालेंगे। ये हमने यहाँ से 7 इंच ले लिया और लंबाई हमारी 8 इंच की है चोली की, तो हमने लंबाई ले ली। अब हम यहाँ पे गले के हिसाब से, यहाँ पे हम गले पे 4 इंच लेंगे। ये हमने इस तरीके का एक चौकूटा एक सेंटर सा बना लिया। अब हम इसमें शेप देंगे। ये तो हमारी चौड़ाई होगी प्लेट वाली 6 इंच की है, तो हम इसको 7 या 7.5 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे चोली का। ये हमने यहाँ पे 8 इंच लंबाई ली थी, तो हमने इसमें इस तरीके का शेप दे दिया। ये हमारा गला हो गया और इसमें हम गोल या बी शेप, आप जिस तरीके का गला बनाना चाहते हैं उस तरीके का आप इसमें गला बना सकते हैं। और नीचे की तरफ भी आप इसको
गोलाई में काट सकते हैं, जिससे आपकी प्लेट अच्छी तरीके से ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी सुंदर यहाँ से गोलाई आई है। आप यहाँ पे हम लेट डालेंगे इस तरीके से, तो हमारी चोली इस तरीके से बन जाएगी। तो अब हम एक चोली काट ली, अब हम पगड़ी का तीरा काटेंगे। ये हमारा तीरा लगा हुआ है, तो इसे भी हम 9.5 इंच की यहाँ पे आगे का पल्लर बनाना है। यहाँ से हम गले के लिए लेंगे 4 इंच, ये हमारा गला हो गया। साढ़े तीन इंच हमने यहाँ से लिया। अब हम इसमें 6 इंच पे शोल्डर के लिए यहाँ से 6 इंच ले लेंगे। इसका हमने इस तरीके से शेप दे दिया, 6 इंच के हमने यहाँ से शोल्डर ले लिए। ये देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि यहाँ से हमने शोल्डर लिए हैं और यहाँ से हमने शेप दे दिए। अब हम गले के बारे में बताएंगे। तो हमने यहाँ से 4 इंच की लंबाई पे गला ले लिया, 4 इंच की लंबाई पे हमने गला ले लिया। ये हमने चोली को काटा है, तो इसको हम यहाँ तक रख लें इस तरीके से। हम इसमें ये देखिए हमारा तीरा कट गया, इसमें हमारी प्लेट डल जाएगी। अगर आप नीचे का तीरा काटना चाहते हैं तो वो भी आप अखबार पे काट लें। ये हमारी तीनों चीजें कट गई, अब हमारा कपड़ा भी खराब नहीं हुआ। तो ये हमने काटी है, हम संभाल के रख दें। जब भी हम ब्लाउज को काटें 34 इंच का, तो हम ये चोली को यूज कर सकते हैं। अगर आपका सीना 34 या 36 बराबर है तो ये भी चोली उसमें यूज कर सकते हैं। अब हम ये चोली को यहाँ पे रखेंगे। इसके बराबर हमने फिक्स काटनी है। ये तीरा को हम थोड़ा बढ़ा के काट लें, क्योंकि थोड़ा सिलाई में जाएगा। यहां से हम उतना ही काटें, क्योंकि हमारे शोल्डर नीचे की तरफ उतरेंगे।
इस तरीके से नीचे का हो गया। इसमें आप यहाँ से प्लेट डालें, मैं आपको प्लेट डाल के बताती हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें प्लेट डाल के बताएंगे कि किस तरीके से ये प्लेट डाली जाती है। ये हमारी दो है, तो ये हमारा गला है, इसको हम इस तरीके से खोल लें और ये आगे पीछे आमने सामने ये दोनों चोली आ गई। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे, तो ये हमारा उक वाला, यहाँ से हमारे उक लगते हैं, इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये हमने प्लेट डाल दी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर थोड़ी ज्यादा फूली बनाना चाहते हैं चोली को, तो इसमें आप गहराई से प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपका सीना थोड़ा छोटा है, तो आप इस तरीके से 1 इंच पे प्लेट डाल लें। ये हमने 1 इंच की प्लेट डाली है इस तरीके से। अगर आपका सीना भारी है, तो आप इसमें 1.5 इंच की भी प्लेट डाल सकते हैं, इस तरीके से 2 इंच की भी डाल सकते हैं, तो वो ज्यादा फूली हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्लेटें डल गई, ये देखो कितनी फूली हो गई। अगर आप इसको यहां से 1/2 इंच पे डालेंगे, तो इस तरीके से इतनी फूली हो गई। तो आप अपने चोली के हिसाब से प्लेटें डाल लें। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि प्लेट किस तरीके से डाली जाती है। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली पे, क्योंकि दोनों चोली एक जैसी ना हो जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पे दूसरी वाली पे डालनी है। ये हमने दोनों प्लेटों को डाल दिया। अब तीरे को कैसे, बगली वाले तीरे होते हैं, किस तरीके से लगाया जाता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये देखो जैसे ये तीरा है हमारा 1.5 हाथ का, तो इसको हम यहाँ से चालू करेंगे ऊपर की लंग से, और बड़े हल्के हाथ से इसको, चोली को हमें खींचना नहीं है, बस आसानी से हल्के हाथ से इसके ऊपर हमें रख के सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने ऊपर से लगाई है चोली, ये हो गई हमारी एक लंग की। अब हम जो दूसरी चोली लगाएंगे, तो उसको हम यहाँ से चालू करेंगे, तो हमें लगाने में भी दिक्कत आएगी और अच्छी तरीके से लगती भी नहीं है। तो हम दूसरी चोली को नीचे की तरफ से लगाएंगे इस तरीके से। हमने दूसरी लंग, देखो ये लग गई हमारी चोली। प्लेटों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ज्यादा गहरी प्लेटें डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप 2 इंच पे या 1.5 इंच पे भी डाल सकते हैं। तरीके से, और इसका भी एक शेप होता है प्लेट डालने का। अगर आप नए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी प्लेट इस तरीके से कैसे नहीं डलती है, तो इसमें भी एक शेप देना पड़ता है हमें। इस यहाँ से हम 2 इंच ले रहे हैं, तो इसको इस तरीके से हमें प्लेट में शेप देना है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।